दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हो रहा है 2:17 इन द आफ्टरनून। ट्रेड हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। दो तीन दिन के लिए मैंने वीडियोस नहीं डाले थे, ट्रैवल में बिजी था, मैंने बोला भी था टेलीग्राम के ऊपर, आप अगर नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ। काफी सिंपल सा ट्रेड था आज के ट्रेड के अंदर। एक चीज काफी टेस्ट हुई है, वो है पेशेंस। काफी लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है ट्रेडिंग करियर जब स्टार्ट होता है। पेशेंस कब आता है? कन्विक्शन के बाद। आपके सिस्टम के ऊपर आपको खुद को ट्रस्ट होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा खासा कन्विक्शन आता है। सो आप सिंपल सा देख सकते हो दोस्तों, ये 1 मिनट का कैंडल मैंने ओपन किया है और यहाँ पे ये एंट्री का एरो और यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट का एरो। सो आप सिंपल सा ब्रेकआउट फ्लैग पैटर्न भी देख सकते हो। और उसके पहले हम डेली के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। कभी भी अगर 52 वीक हाई के नियर बाय अगर स्टॉक होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो टाटा स्टील, काफ़ी मोमेंटम इसमें शार्प आ रहा है। कहीं से आप देखोगे तो ये जो वंस इसने ये क्रॉस किया था ऑलमोस्ट 450 का लेवल, तब से जाके मोमेंटम इसके अंदर काफ़ी कंटिन्यूस दिख रहा है। सो यहाँ पे भी डेली के ऊपर भी देखोगे तो एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट की तरह एक्ट किया था 2 दिन, और आज जाके इसने 700 का जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट लेवल का हाई वो क्रॉस किया था। इसके लिए ये डेली के ऊपर भी काफ़ी अच्छा बुलिश था। और 15 मिनट का ओआरबी भी मैं जैसे यूज करता हूँ, आप सभी को पता है जो मेरे ओल्ड वीडियोस देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं था। आप देखो तो सिंपल सा ब्रेकआउट था, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे, एंट्री हमने यहाँ पर ली थी, टारगेट अपना 0.5 से बचा था, स्टिल हमने होल्ड किया पूरे दिन तक, वेट किया। ऑल दो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस ये लेवल के नियर बाय कहीं था, सो हमने वो कॉस्ट के नियर बाय लाया था जब इसने हाई लगाया था। बाद में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे हमने ट्रेल किया ये लेवल, बाद में ये लेवल, और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो फिर स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ये लेवल के पास लाया गया था, और फाइनली अपना टारगेट जो है यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम स्ट्रेच आया और हिट हो गया। सो मैं आपको पोजीशंस दिखाता हूँ, आप देख सकते हो 954 का हमारी बाइंग हुई है, 210 क्वांटिटीज हमने लिए थे 715 के नियर बाय, और 726 को हमने स्क्वायर ऑफ किया है अभी 2 बजे के नियर बाय। पोजिशंस में दिखा देता हूँ, 2320 के नियर बाय हमने प्रॉफिट बुक किया है इसके अंदर। सो यस दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेड था, बस इसके अंदर जो है एक चीज़ लगी पेशेंस होल्ड करने के लिए अपना ट्रेड। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टारगेट 0.5 से मिस होने के बाद यहाँ पे काफ़ी पेशेंस दिन भर के लिए होल्ड करना पड़ा है स्टॉक अगर देखो तो, और ये कंसोलिडेशन अच्छा सा बॉक्स बन गया था यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो गया था। सो यस बुक किया हमने 2300 के नियर बाय। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।